मेरे को सबसे पहले ये ऐसा खोलना है और बाथरूम में जाके छुप जाना है। कैसे है भाई खोल? अरे तेरी इधर भी होता है जी, ये देखो मसाज पार्लर का वगैरह। बाप रे, हे गाइस, क्या हाल है आप सभी का? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और स्वागत करता हूँ दिल से आप सभी का एक नए ट्रैवल वीडियो में कोरिया सीरीज के। इस वक्त मैं सोल सिटी, जो कैपिटल सिटी है साउथ कोरिया की, उसको अलविदा कह के जा रहा हूँ फिलहाल के लिए। बुसान, जो कि साधन पार्ट ऑफ कोरिया का सिटी है, इंपॉर्टेंट सिटी आप कह सकते हो। और ये जर्नी बड़ी कमाल की होने वाली है, ये वीडियो भी कमाल का आने वाला है। इसका कारण ये है ना कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट से भी ऑप्शन रहता है, बसेस से भी ऑप्शन रहता है, लेकिन हम फिर भी ट्रैवल कर रहे हैं बुलेट ट्रेन ऑफ कोरिया की, जिसे कहते हैं KTX। ठीक है, तब देखते हैं कि कोरिया की बुलेट ट्रेन कैसी होती है, क्या रहता है हमारा एक्सपीरियंस। और स्पेशली वर्ल्ड फेमस मूवी ट्रेन टू बुसान जॉम्बी वाली आपने देखी रहेगी, अगर नहीं भी देखी रहेगी तो बता देता हूँ, बहुत ही फेमस कोरियन मूवी है। तो उसी ट्रेन में, बेसिकली वैसी ट्रेन है, वो सेम ट्रेन में हम ट्रैवल करेंगे। यहाँ से मेट्रो पकड़ते हैं, हॉस्टल से अभी निकल चुका हूँ, मेट्रो पकड़ते हैं, मेट्रो से सोल स्टेशन जाते हैं। सोल स्टेशन में सारी चीज़ें बताता हूँ कि टिकट का कॉस्ट वगैरह क्या है और कैसे आप भी बुक कर सकते हो। ठीक है, लेट्स गो। हम पहुंच गए सोल के KTX वाले इलाके में, जहाँ से टिकटें ले लेते, फिर पीछे ही ट्रैक से जहाँ से ट्रेनें जाती है। ठीक है, अभी ये सब इंडिकेटर लगा है, लेकिन कोरियन लैंग्वेज में लगा है। एक बार लाइन में खड़े हो जाते, मेरे हिसाब से 15 मिनट में नंबर आ जाएगा। टिकट वगैरह ले लेते पहले, फिर देखते हैं ना। तो गाइस, ये हम पहुंच गए सोल सिटी के स्टेशन में, एक इंपॉर्टेंट स्टेशन जहाँ से एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रेनें जाती है। KTX यानी कि फास्ट ट्रेन भी जाती है, या फिर नॉर्मल ट्रेन जो मतलब डबल टाइम लगाती है KTX से, लेकिन वो ट्रेनें भी जाती है, बस वही बात है। तो यहाँ पे है ना, कभी भी ध्यान रखना, जब भी आपको सोल से बुसान या फिर किधर भी ऐसा जाना हो ना, वीकेंड हो अगर, फ्राइडे सैटरडे संडे, अगर वो दिनों में आपको जाना है, तो कृपया करके 3-4 दिन पहले आ जाइए यहाँ पे और टिकटें ले लेना, क्योंकि लाइनें बहुत रहती है और टिकटें मिलती नहीं है। हालांकि आधे आधे घंटे में आपको ट्रेनें मिलेगी सोल से बुसान या फिर बुसान से सोल, फिर भी वीकेंड में टिकट पहले ही बुक करना। लेकिन आज वीकडे है, आज है वेनसडे, जिसके वजह से मैं डायरेक्टली आ गया और यहाँ पे अभी बजे 11:15। ठीक है, तो मैंने सोचा कि 12 बजे की ले लूँ, लेकिन 12 बजे की मेरे को मिली नहीं, 12:27 की मेरे को मिल गई टिकट, जो कि कॉस्टिंग पड़ी है 3,500 रुपीज इंडियन करेंसी में, बिकॉज वॉन की बात करूँ तो 59,800 वॉन लगा, तो फिर उतना ही हुआ 3,500 रुपया। ठीक है, तो अभी एक घंटा है अपने हाथ में, तो अपन देखते हैं फिर कैसा रहता है माहौल। और इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको, जो कि मेन रहता है कि आप मेरे को हमेशा पूछते हो कि मैं लास्ट मिनट बुकिंग या फिर यू नो चीप में अफोर्डेबल बुकिंग्स कहाँ से कर पाता हूँ मेरे ट्रैवल के लिए, तो मैं यूज करता हूँ वीगो का ट्रैवल ऐप। वीगो एक फास्ट लोडिंग ट्रैवल बुकिंग ऐप है, जिसमें फ्लाइट हो या होटल बहुत इंस्टेंटली रिजल्ट्स दे देता है। जैसे कि अगर मेरे को फ्लाइट बुक करनी है, तो बड़े बड़े ट्रैवल पोर्टल्स को कंपेयर करता है, फ्लाइट कंपनी को कंपेयर करके रिजल्ट्स दे देता है। सिमिलरली अगर होटल बुक करनी है, तो जैसे ही होटल सर्च करता हूं, तो बड़े बड़े ट्रैवल कंपनीज को कंपेयर करता है और बहुत सारे ऑप्शंस दे देता है। वीगो में बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ साथ इंडियन रेलवे IRCTC की ट्रेन्स भी बुक कर सकते हो। तो देखा दोस्तों, जब एक ही ट्रैवल बुकिंग में सारी चीजें मिल जाती है, तो फिर क्या ही चाहिए। तो अभी डाउनलोड करें लिंक डिस्क्रिप्शन में, या ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हो ना, तो उसे अपडेट जरूर करना टू एंजॉय अमेजिंग ऑफर्स। तो ये रही वो टिकट जो आप देख पा रहे हो 3,500 की, और एकदम नॉर्मल है, पासपोर्ट वासपोर्ट कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट ऐसे ही दे दी। और 12:27 की टाइमिंग है अभी, ये अगर मैं देखूँ तो 12:27 के आगे गेट नंबर कुछ लिखा ही नहीं है, ट्रैक नंबर, बेसिकली गेट नहीं, फ्लाइट नहीं है, ट्रेन है। तो इनको मोहतरमा को पूछ लेता हूँ इन्फॉर्मेशन डेस्क पे। वेट फॉर अ वाइल, ओके कूल, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। चलो दूसरों के साथ हम भी यहीं पे बैठ जाते हैं ना। कोरिया का मेरे को ये मानना पड़ेगा, इट्स अ हब ऑफ वाईफाई, सच ही कह रहा हूँ। मतलब अब तक मेरे को सिम कार्ड नहीं है, फिर भी कभी तकलीफ पड़ी नहीं है। एयरपोर्ट हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो, सड़कें हो, मेट्रो हो, यहाँ पे भी वाईफाई मिल गया, मतलब आप हर जगह वाईफाई आपको मिल सकता है साउथ कोरिया में, ये बढ़िया चीज़ है। ये देखो, दो टाइप की ट्रेनें हैं, एक वो नॉर्मल वाली, ठीक है, वो भी बढ़िया ही लग रही है, लेकिन ये स्पीड ट्रेन है, आप कह सकते हो बुलेट ट्रेन है। इसका रेट है 3,500 रुपया और उसका रेट है तकरीबन 2,000 से भी कम है। तो आपके हिसाब से 4 घंटे में पहुंचना है या फिर 2.25 घंटे में पहुंचना है, और एक्सपीरियंस के हिसाब से कि नॉर्मल ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना है या फिर स्पीड ट्रेन का लेना है, बस वही बात है। चलो तो बैठ जाते हैं अपने सीट पे। टिकट पे अगर देखो तो 10 लिखा है, 15 A लिखा है, मतलब मेरे हिसाब से 10 रहेगा ये कोच नंबर, जैसे कि 11 है तो ये रहा 10, और 15 A रहेगा अपना सीट नंबर। A है तो मेरे हिसाब से विंडो सीट होनी चाहिए, देखते हैं अभी क्या मिलती है।
खुल रहा, कोई है भी नहीं। 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 15A, 15A, यही रहेगी मेरी सीट। तो ये जो सोल टू बुसान का जर्नी टाइम है ना, ये 2.25 घंटे का है ये स्पीड ट्रेन का, और 350 किलोमीटर की दूरी है। तो आप कह सकते हो कि 200 किलोमीटर से थोड़ी सी कम ही स्पीड में भागती है ट्रेन। एनीवेज अगर मैं कंपेयर करूँ ना तो 3500 थोड़ा कॉस्टली लगता है, सच कह रहा हूँ ये टिकट का, बिकॉज मैं पहले रशिया की ट्रेनें की बात करूँ या फिर उज्बेकिस्तान में भी जब गया था तो वो फास्ट ट्रेन पकड़ी थी ना, इतना ही डिस्टेंस था राइट। 2 घंटे की जर्नी टाइम थी समरकंद टू ताशकंद, उसका मेरे को कितना भरना पड़ा था, सिर्फ 1000 रुपीज़। तो वो 3 गुना से भी ज़्यादा कॉस्टली है, उसमें तो हालांकि नाश्ता वगैरह भी दिया था। अभी 1 घंटा ही हुआ है जर्नी टाइम को, मेरे को नहीं पता कि आगे कुछ पानी की बॉटल भी देंगे कि नहीं, लेकिन फिलहाल तक तो कॉस्टली लग रहा है। लेकिन हाँ, वाईफाई वगैरह सब फास्ट चल रहा है। ये ट्रेन इसको ओवरटेक कर रही है, पैसे बर्बाद बहन। चलो आ गए बुसान, एग्जैक्ट 3 बजे। पंक्चुअल तो है भाई ट्रेन, कुछ दिया नहीं, इतना पैसा ले लिया, लेकिन वाईफाई है और पंक्चुअल है, ये 2 चीज़ें हैं बस। तो ये हम आ गए हैं बाहर, और यार टिकट विकेट चेक नहीं करते हैं, ट्रेन में भी चेक नहीं करा और बाहर आके भी नहीं करा। TCVC है नहीं लगता इधर, सब इतने ईमानदार है क्या? एनीवेज मैं बता दूं कि यहाँ से अभी मेरे को मेट्रो पकड़ के वापस जाना है हॉस्टल की तरफ, मेरा जो हॉस्टल है ना बुसान में, वो यहाँ से 50 मिनट्स की दूरी पर है। ये है सेंटर, सिटी सेंटर, लेकिन मैंने बीच साइड बुक किया है, ह्युंडई बीच करके बोलते हैं, तो वो एकदम अच्छा वाला मॉल रहता है, वहाँ पे चिल वाला रहता है और बीच है, आप समझ ही जाओ बीच लाइफ है। तो वहाँ पे मैंने 3-4 रात के लिए बुक किया है, तो अभी देखते हैं मेट्रो के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। बुसान स्टेशन के बाहर आते ही जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, बड़ा ही कमाल का है। मतलब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है यार, ओए होए। और तो और पहाड़ी इलाका है जिसकी वजह से वातावरण भी अच्छा लग रहा है, मजा आएगा बुसान में, है ना। वाह जोरदार है यार, ये तो एकदम पटाया वाला फीलिंग आ रहा है, फुकेत पटाया वाला नहीं रहता, बीच साइड वो वॉकिंग स्ट्रीट वैसा ही है, मज़ेदार है इनफैक्ट। मिल गया मेरे को कार्ड जिसमें है वाईफाई पासवर्ड और बाकी सब डिटेल्स, और मेरा माला है मेरा जो रूम का माला है वो छट्टा,
बता दूँ इस हॉस्टल का नाम है किमची और इसकी रेटिंग्स अच्छी थी। रेटिंग्स देख कर ही अपन बुक करते हैं। और रेटिंग्स तो ठीक है, रेट भी अच्छा है। मतलब सोल में मैं एक दिन का कितना दे रहा था, 2200 रुपया, ठीक है। यहाँ पे मैं तीन रात का 2200 भी नहीं दिया, 2100, 2100 रुपीज फॉर 3 नाइट्स। तो बताओ रेट में कितना फर्क है ना। आ गया मेरा 608, हाँ यही है 608। नीचे वाले कह रहे थे रिसेप्शन वाले भाई कि सिर्फ एक ही बंदा है आपके रूम में, बाकी 8 बेड खाली है, मतलब 7 बेड खाली है, तो उसमें से आपको जो चाहिए ले सकते हो। तो ये कुछ ऐसे बेड है, 1, 2, 3, 4। अब देखता हूँ कि कौन सा बंदा कौन से बेड पे, आई मीन पता नहीं चल रहा है मेरे को, सारे बेड खाली तो लग रहे हैं। अच्छा ये रहा, किताबें विताबें हैं, मतलब यहाँ पे कोई है। तो मैं सोच रहा हूँ या तो ये बेड ले लूँ या तो ये बेड ले लूँ। तो ऐसा कुछ वॉशरूम है और ये है मेन दरवाज़ा, तो मैंने सोचा कि नज़दीक ही लेता हूँ ना वॉशरूम और दरवाजे से। जैसे तैसे पहुँच गए बुसान। और रेट की बात करूँ तो 700 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से नॉट अ बैड डील अगर कोरिया की बात करें तो। लेकिन हाँ ऐसे पर्दे वर्दे होने चाहिए थे जैसे सोल में थे, कोई बात नहीं चलता है। वैसे भी पूरा रूम खाली है, सिर्फ मैं और एक कोई बंदा है। एनीवेज मैं ये कह रहा हूँ कि बुसान ऐसे भी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू सोल, लेकिन जो ह्युंडई इलाका है ना ये जो, वो थोड़ा सा महंगा है। तो बाद में पता चलेगा, मतलब यहाँ से अभी निकलेंगे अपन, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होके खाना वाना खाएंगे इंडियन रेस्टोरेंट में, उसके बाद घूमेंगे फिरेंगे। क्योंकि 5 बजे के बाद आपको जैसे कि पता ही कि कोरिया में अंधेरा हो जाता है, मैंने पहले के वीडियोस में बताया ही है। तो अंधेरा होगा तो कुछ रंगीन चीज़ें दिखेंगी, है ना। तो रंगीन चीज़ें देखेंगे, माहौल देखेंगे। क्योंकि रोड से आ रहे थे तो कितना ब्यूटीफुल सा रोड था, है ना। तो माहौल तो इधर अच्छा होना ही है, तो अपन थोड़ा बहुत लुकआउट मार लेते रात का ह्युंडई इलाका बुसान का, है ना। लेकिन सबसे पहले तो ये देख लो ये क्या हो रहा है, दुबई जैसा सीन इधर भी हो रहा है क्या। ओ पकड़ा गया। ये देखो गाड़ी से फेंक रहा है। और दुबई वुबई में भी ऐसा होता है ना, इधर भी होता है जी। ये देखो मसाज पार्लर का वगैरह। बाप रे पकड़ा गया। क्या मस्त काम है ना, गाड़ी में बैठो आराम से, एक हाथ से स्टेयरिंग धीरे धीरे चलाओ और एक हाथ से ये नीचे फेंकते रहो। बाप रे माय गॉड, वो मकर संक्रांति में कैसा आसमान भर जाता है पतंगों से। अभी तो इतना भी नहीं भरता है, पहले भरता था, लेकिन वैसे ही आसमान कैसा भरता है वैसे ही रास्ता भरा दिया ये सब कार्डों से। तो बस थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद नहाया, उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज किए, उसके बाद निकल पड़ा नीचे। अब मैंने सोचा कि ऐसे तो आज घूमना है नहीं, थका हुआ हूँ, कल से टूर करूँगा पूरा बुसान वुसान घूमेंगे मज़े करेंगे। लेकिन मैं सोचा अभी रात का माहौल एक बार देख ही लेते, क्योंकि थोड़ा क्यूरियोसिटी था। क्योंकि जैसे हम जा रहे थे तो पता है कितना रौनक था, कितना मतलब अलग अलग कुछ चीज़ें थी। मैंने सोचा कि रात में लाइटिंग वाइटिंग लगेगी, प्यारा सा लगेगा, है ना। और ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट्स बाय वॉक ही है वो स्ट्रीट, ह्युंडई की मेन स्ट्रीट, वाला हो ही आते। और ऐसे भी थोड़ा भूख लगा था, मैंने इंडियन रेस्टोरेंट सर्च मारी, 5-6 ऑप्शंस हैं इस एरिया में इंडियन रेस्टोरेंट। तो वही अभी जाता हूँ किधर जिसका हाई रेटिंग है। मेरे हिसाब से नाम क्या था, नमस्ते ह्युंडई, उधर जाऊँगा और खाना वाना कुछ खा लेते हैं ना। रेट वेट भी देख लेंगे कि बुसान में रेट्स क्या है सोल के मुकाबले। उसके बाद बाहर निकलेंगे, गलियाँ देखेंगे, सब देखेंगे, है ना। यार खाना अच्छा था, टेस्टी था, नो डाउट। लेकिन 2 रोटी और सब्जी का लग गया 1300 इंडियन रुपीज़, 1300 रुपया लग गया। यार मम्मी के पास जाना, इतना महंगा है यार। ये जो ह्युंडई का वॉकिंग स्ट्रीट है ना, ये वैसा नहीं है अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि थाईलैंड पटाया जैसे या फिर सोल जैसे हो, नहीं उतना हसल बसल या पार्टी वैसा नहीं होता है, नॉर्मल सा है। वैसा हसल बसल हाय वैसा हसल बसल चाहिए तो सेमियोंग करके एक इलाका है, यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है, वहाँ पे सब होता है। लेकिन वो उधर हम फिर कभी जाएंगे, फिलहाल अपन यहाँ का मॉल वगैरह देख लेते हैं ना। सोल में तो ऐसा कम देखा था, लेकिन यहाँ पे बहुत देख रहा हूँ। बुसान में ना बहुत सारे ऐसे कार्ड रीडर हो गए, टैरो कार्ड रीडर या फिर फेस रीडर, यू नो मतलब भविष्य बताने वाले। और हर जगह कस्टमर भी है, जैसे कि वहाँ पे था और यहाँ पे देख लो एक और शॉप है, यहाँ पे भी कस्टमर है मतलब। और उधर भी था जब मैंने देखा था, उस तरफ से जब आ रहा था ना तब भी मैंने देखा था। मतलब यहाँ की पब्लिक बहुत बिलीव करती है कि भैया पैसा लो लेकिन ये बता दो भविष्य मेरा क्या होगा कैसा है। और इनका मेन क्वेश्चन मेजॉरिटी पैसे के लिए नहीं होता है, लव लाइफ के बारे में रहता है। बुसान का आप देख लो कि एक तो एक ऐसा स्ट्रीट होता है जो कि थोड़ा सा हरा भरा रहता है, लेकिन 12 बज के चले गए जिसकी वजह से अभी आराम है। तो अभी अपन भी आराम करते फिर, है ना। ये वीडियो आई होप सोल टू बुसान, आपको ट्रेन जर्नी वगैरह मतलब काफ़ी चीज़ें आपको भी पता चल गई, थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो मिला ही होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ फिर, शॉप्स अभी भी खुली हैं कुछ कुछ, लेकिन उम्मीद करता हूँ फिर आप लाइक
जरूर करेंगे वीडियो को और बने रहेंगे, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम बुसान अट्रैक्शन करेंगे ना अच्छे, है ना। लव यू ऑल, बाय।